सलमान खान बॉलीवुड के स्टार हैं और उन्हें भाईजान के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं कि सलमान किसी का भी करियर बना सकते हैं। उन्होंने अभी तक कई आर्टिस्टों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया है, लेकिन इसमें कोई भी ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम सोनाक्षी सिन्हा का आता है। सोनाक्षी को सलमान ने फिल्म दबंग से लॉन्च किया था। फिल्म सुपर हिट हुई, लेकिन सोनाक्षी की किस्मत फिल्मों में नहीं चली। डायरेक्टर और एक्टर महेश मांजरेकर की बेटी सई को फिल्म दबंग 3 से सलमान ने लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ फिल्मों में देखा गया, लेकिन इंडस्ट्री में पहचान नहीं बना सकी। सलमान खान ने अपनी छोटी बहन अर्पिता के पति आयुष शर्मा को भी लॉन्च किया था, लेकिन उनकी किस्मत बहुत खास नहीं रही। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को भी बॉलीवुड में लॉन्च करने का जिम्मा सलमान ने उठाया था, लेकिन फिल्म हीरो से डेब्यू करने वाले सूरज फ्लॉप हो गए थे। ऐश्वर्या राय की हम शक्ल कहलाने वाली स्नेहा उलाल को सलमान ने फिल्म लकी से लॉन्च किया था। हालांकि फिल्मी करियर को लेकर स्नेहा लकी नहीं रही। ऐसे ही कटरीना कैफ की हम शक्ल कहलाने वाली जरीन खान ने भी सलमान खान की फिल्म वीर से अपना डेब्यू किया था, लेकिन उनका करियर भी ठप्प पड़ गया। अब सलमान ने फिल्म किसी का भाई किसी की जान से पलक तिवारी और शहनाज गिल और राघव जुयाल को लॉन्च किया है। देखना है कि इनकी किस्मत साथ देती है या नहीं।